कैम छो दोस्तों, मैं अभिलाष कैमटेक अभी मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कैमरा वर्ल्ड में होने वाली इस पूरे वीक की जो अपडेट है वो मैं बताने वाला हूँ। हर वीक ऐसा है, मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं कैमरा के बारे में बताऊँगा, न्यूज़ कैमरा की न्यूज़ के बारे में बताऊँगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि वेरेबल लेंस, यस, चश्मे में आप वो लेंस को लगा सकते हैं और उसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। वो लेंस का रिसर्च चालू हो गया है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में हमें ऐसे लाइव स्ट्रीम करने वाले चश्मे या उसके एक्सेसरीज भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है ITL स्टूडियो की तरफ से, उन्होंने किक स्टार्टर में नया कैंपेन स्टार्ट किया है, जो 5-in-1 बैकपैक उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जिसके डिटेल्स मैं नीचे लिंक्स में दे दूंगा। अगर आप किक स्टार्टर में जाके उसको अगर फंडिंग देना चाहते हैं और अपना प्री बुक करवाना चाहते हैं इस बाइक के लिए, तो आप वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वीनस ऑप्टिक की तरफ से, उन्होंने सोनी FE माउंट फुल फ्रेम जो ई माउंट है उसके लिए फूजी GFX सीरीज़ के लिए नया लेंस सीरीज़ जो है उन्होंने लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो माइकी कंपनी की तरफ से, जी हाँ, ये कंपनी भी लेंस बनाती है और उन्होंने अपना फर्स्ट ऑटो फोकस लेंस 85mm 1.8 जो है वो अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है नासा की तरफ से, उन्होंने पानी के अंदर देख सके वैसा कैमरा बनाने का जो रिसर्च है वो स्टार्ट कर दिया है। अगेन नेक्स्ट न्यूज़ है इंस्टाग्राम की तरफ से, अब इंस्टाग्राम में से आप अपने जो भी अब तक पोस्ट किए हैं, कमेंट किए हैं, लाइक्स किए, उसका जो डेटा है फेसबुक की तरह ही उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है अगेन इंस्टाग्राम के लिए, एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपने अब तक जितने भी पोस्ट किए हैं, जितने भी लाइक्स कमेंट किए हैं, उसके ऊपर से आपका इंस्टाग्राम का जो स्कोर है वो बताएगा। ये खास करके इन लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा जो इंस्टाग्रामर्स हैं, जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ज्वेलरी की, जी हाँ, ज्वेलरी के अंदर स्पाई कैमरा, 14 कैरेट गोल्ड के की जो रिंग है उसके अंदर स्पाई कैमरा फिट किया हुआ है और वो ईबे पे कहीं उसको देखा गया है इस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट न्यूज़ है DXO लैब की तरफ से, इन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि वो बैंक करप से डिक्लेयर करेंगे। साथ ही ये भी कन्फर्म किया है कि निक कलेक्शन और DXO फोटो लैब जो है उसके वो अपडेट देंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो कैनन की तरफ से है, कैनन ने अनाउंस कर दिया है 7200 F4 ISL लेंस के लिए। इसके बाद की जो न्यूज़ है वो भी कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, कि 7D Mark III वो बहुत जल्दी आने वाला नहीं है। यस, बहुत जल्दी आने वाला नहीं, उसके लिए काफ़ी हमें वेट करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 2019 तक का। इसके बाद की न्यूज़ है वो निकॉन की तरफ से है, वो मिक्स न्यूज़ है। निकॉन ने अपने मिररलेस कैमरा के लिए वर्क स्टार्ट किया हुआ है, बट वो 2019 स्प्रिंग से पहले आने की कोई प्रोबेबिलिटी संभावना नहीं है। अगली जो न्यूज़ है वो टैमरॉन की तरफ से है, जी हाँ, टैमरॉन ने सोनी FE माउंट के लिए 24-70 f/2.8 ऑटो फोकस लेंस जो है वो अनाउंस किया है। साथ ही टैमरॉन ने दूसरा 70-210 f/4 लेंस निकॉन माउंट के लिए भी अनाउंस किया हुआ है। अगली जो न्यूज़ है वो निकॉन की तरफ से है, निकॉन ने अपने D850 कैमरा के लिए ES2 जो एडेप्टर है वो अनाउंस किया हुआ है। उससे आप अपने जो फिल्म्स हैं फिल्म्स को डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हो एक क्लिक करके। अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जी हाँ, NAB 2018 जो हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें ये कैमरा था, बट वो अंडररेटेड कैमरा था, किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। जी हाँ, ZCam E2 ये 4K को भी 120 FPS पर शूट कर सकता है। हालांकि इसका ISO परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, बट इसका डिटेल जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो फेज़ 1 की तरफ से, फेज़ 1 जो कंपनी है वो मीडियम फॉर्मेट्स कैमरा बनाती है, उन्होंने सबसे पहला ड्रोन में यूज़ होने वाला 100 मेगापिक्सल सेंसर का, जो सोनी का सेंसर है, वो यूज़ करके अपना नया कैमरा अनाउंस किया हुआ है, जो ड्रोन फोटोग्राफी के लिए और एरियल वीडियो के लिए यूज़ होगा। इसके बाद की न्यूज़ है वो भी फेज़ 1 की तरफ से ही आती है, उन्होंने अपना जो सॉफ्टवेयर है इमेज रीटचिंग का, कैप्चर 1 प्रो करके है, उसका नया अपडेट जो है रिलीज़ किया हुआ है, उसमें जो काफ़ी सारे पुराने रिलीज़ में जो बग्स थे वो फिक्स किए। अगली जो न्यूज़ है वो पैनासोनिक कंपनी की तरफ से है, वो जल्द ही एक नया अपडेट सॉफ्टवेयर का लाने वाला है, जिसमें कैमरा GH5 और GH5S में जो कंटिन्यूस ऑटो फोकस का जो बग है, जो प्रॉब्लम है, वो उसमें सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद की जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मोबाइल फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए, या फिर जिनको मोबाइल से फ़ोटो खींचने बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो DSLR यूज़ नहीं करते हैं, बस हॉबीस्ट है। Aloclips कंपनी ने अपने एक नया मोबाइल कैमरा एसेसरीज लॉन्च किया हुआ है कनेक्ट X के नाम से, वो आईफोन X में कनेक्ट होकर डिफरेंट टाइप के वाइड एंगल, फिश आई, मैक्रो जो लेंस है वो कनेक्ट करके आपकी फ़ोटोग्राफी में एनहांसमेंट आप कर सकते हो। सबसे आखिरी जो न्यूज़ है वो सिनॉक्स कंपनी की तरफ से है, जी हाँ, सिनॉक्स कंपनी ने अपना ऑरा करके जो एक्शन कैमरा निकाला है वो
अब तक का सबसे पहला एक्शन कैमरा है जो नाइट विजन दे सकता है। नाइट विजन और इंफ्रारेड विजन इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और ये अब तक का सबसे पहला एक्शन कैमरा माना जाता है जो इन्होंने किकस्टार्टर पे लॉन्च किया हुआ है। अगर आपको उसके डिटेल में जानना है इसके बारे में तो मैं लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वहाँ जाके आप उसको फंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस वीक के कैमरा वर्ल्ड के अपडेट। अब मैं एवरी वीक इस तरह के वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं कैमरा वर्ल्ड में जो भी अपडेट होंगे वो मैं आपके सामने लाऊंगा। और अगर आपको कुछ भी और जानना है तो आप किस तरह के वीडियो आप मेरे से चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हो। और तब तक आओ जाओ।